Welcome to my YouTube channel. In our last video, we are discussed about the metal alkylidene complexes. In those complexes, we are further discuss about what is shock and what is Fischer carbenes. And in that video, we are discussed about the Fischer carbene complexes. And now in this video, we are going to discuss about the shock carbene complexes. Shock carbene complexes are those complexes in which triplet carbene is involved in the reaction. So we are going to discuss about there how we will be able to synthesize these shock carbenes and how what kind of chemical reaction in which involve in the shock carbene. And the third part is we are going to discuss about their structure and bonding. Now let's start with their synthesis. The first reaction is the protonation. In this reaction, इसमें क्या है कि आप कौन सा complex लोगे, जैसे आपने कोई भी metal complex ले लिया, tantalum neopentyl का thrice Cl2 plus 2 lithium neopentyl. यहाँ पर इसमें reaction का mechanism पहले ध्यान से देखो कैसे है. सबसे पहले आप क्या लोगे complex में, neopentyl कैसे होता है, CH3 CH2. यहाँ पर देखो ये एक कार्बन ऐसा है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का कम है, क्योंकि तीन बॉन्ड बने हुए हैं, एक मेटल के साथ बॉन्ड अभी बन सकता है. तो हम जब भी नियोपेंटाइल यूज़ करेंगे तो हमारी लिंकेज किस कार्बन के थ्रू होगी, CH2 के थ्रू होगी. तो मैंने वही रिएक्शन में मेंशन किया हुआ है, बस यहाँ से लिंकेज समझो. सबसे पहले यहाँ पर आपने यहाँ पर लिगेंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, लिथियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा रिएक्शन से और नियोपेंटाइल दोनों के दोनों हमारे मेटल के साथ अटैच हो जाएंगे. तो यहाँ पर देखो मैं डायरेक्टली मेंशन कर रही हूँ ये वाला स्टेप. यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है 2 लिथियम क्लोराइड हमारे रिएक्शन में से एलिमिनेट हो गए. हमारे जो ऑलरेडी मेंशन नियोपेंटाइल्स हैं मैंने उनको एक साइड में कर दिया ताकि उनका कोई कन्फ्यूजन ना रहे. और हमारे जो न्यू नियोपेंटाइल्स हैं उन्हें लिंक करने का तरीका देखो ध्यान से, इन्हें कैसे लिखेंगे. लिंकेज तो CH2 से ही होनी है, तो हमने क्या किया CME3, मतलब तीनों मिथाइल को क्या कर दिया, क्योंकि ये तीनों क्या है मिथाइल ग्रुप्स ही हैं, तो मैंने इन्हें एक साथ लिख दिया CME3. अभी यहाँ पे दूसरा नियोपेंटाइल भी अटैच होना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 नियोपेंटाइल लिए थे. तो इसे कैसे अटैच करोगे, CH, ये भी CH2 होना था पर मैंने यहाँ पर मेटेला साइकिल फॉर्म करना है, इसलिए मैंने इस CH2 को कैसे लिख लिया, सी के साथ. एक्चुअल में बॉन्ड ऐसे है, ये गलत तरीका है शो करने का, यहाँ पर कार्बन के साथ ही बॉन्ड है, मैंने इस CH2 को स्प्लिट करके लिख लिया और बाकी का CME3 इस साइड पर ऐसे लिखा हुआ है. अभी देखो ध्यान से कैसे होगा, यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एलिमिनेट, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन के टेंटेलम और कार्बन के बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर देगा. और ये टेंटेलम क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर एगोस्टिक इंट्रैक्शन बोलते हैं बच्चे, जब भी हमारे पास हमारे लीगेंड का जो हाइड्रोजन है वो मेटल के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो तब जो अगर मेटल हाइड्राइड बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो विद दी हेल्प ऑफ एगोस्टिक इंट्रैक्शन होता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन ने इस मेटल और कार्बन के बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दिए और खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. और इसे टेंटेलम क्या है, मेटल क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर ये इसने हाइड्रोजन से अब्स्ट्रैक्ट कर लिए. तो हमारे पास ये देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे जनरेट हो गया, टेंटेलम सी डबल बॉन्ड हमारा इस कार्बन के बीच में आ गया, जैसे मैंने शो किया है. अभी देखो ध्यान से यही कार्बन को मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास CME3 ऐसे अटैच हो जाएगा. अब क्या होगा, यहाँ पर क्लीवेज कैसे होगी, जैसे ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर अटैच हुआ, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3. ये हाइड्रोजन हमारा एक्चुअल में इस सिस्टम से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, CH3 CME3. तो हमारे पास पहला शॉक कार्बीन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, जनरेट हो गया, जिसमें क्या है मेटल का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है. तो हमने कार्बीन की यही डेफिनेशन की थी, जिसका मेटल के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा वो होगा कार्बीन कॉम्प्लेक्स.
और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, इंट्रामोलिकुलर लॉस ऑफ एल्कीन। तो अभी आपने फिर से हमने नियोपेंटाइल का ही एग्जांपल लिया है, अब की बार मेटल का टेल्यूरियम और C5H5 का कॉम्प्लेक्स ले लिया, जिसे हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोलते हैं। TLCL लीव कर गया, और ये वाला कंपाउंड जो CP, जिसे मैंने यहाँ पर CP मेंशन कर दिया, वो एज सच इसके साथ अटैच हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास CH3, फिर से वही हमारा एक नियोपेंटाइल को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे दो नियोपेंटाइल थे, उसी वे में जैसे मैंने पहले को नियोपेंटाइल को लिखा था, हमने एक नियोपेंटाइल का एज सच दोनों नियोपेंटाइल्स को लिखने के बाद एलिमिनेशन किया है। जैसे ये स्टेप मैंने यहाँ पर ये वाला मैं यहीं पर लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पर कैसे करोगे, अभी हमारे पास सारे लिगेंड्स को एक साइड कर लेना है जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। टेंटेलम Cl2 CP एक साइड कर लिए, अभी नियोपेंटाइल को कैसे लिखना है, एक नियोपेंटाइल को CH2CME3 की फॉर्म में लिख लोगे, एक को हम कैसे लिखेंगे, उसका हाइड्रोजन एक्स्ट्रा शो करेंगे ताकि हमें एलिमिनेशन में इजी आसानी से पता चल जाए। अभी यहाँ पे क्या होगा, इसने इस यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ इसे अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड अल्टीमेट क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। अगर बॉन्ड क्लीव हो जाएगा तो हमारे पास सिचुएशन कैसी होगी, टेंटेलम के साथ इस कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया CH CME3, ये एस एच रह गया, और हमारे पास सेकेंड लिगेंड क्या है, CH3 CME3, राइट। तो मैंने यही प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन में आप कैसे करोगे, वही मैंने कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, टेंटेलम मिथाइल 3 Cl2, उसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, 2-lithium साइक्लोपेंटाडाइनाइल के कॉम्प्लेक्सेस के साथ। तो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल का बॉन्ड फॉर्म हो गया, और तीनों में हमारे पास क्लोरीन एलिमिनेट हो गया, अल्फ़ा एलिमिनेशन हो गई, लिथियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब तीनों मिथाइल को मैंने एक्सपेंड करके लिख लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, दो मिथाइल्स को हमने कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर से हम PH3C+ BF4- के साथ अटैक करवाया, जिससे हमारा एक मिथाइल ग्रुप इस सिस्टम को लीव कर गया। तो हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप बचे हैं, अब दोनों मिथाइल ग्रुप को हमने वैसे ही फिर से एक को CH3 लिख लेना है, एक को हाइप्रोटोन शो कर देना है, वो प्रोटोन हम इस कार्बन में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वैसे ही फिर से तुम्हारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, CH3ONA के प्रेजेंस में हमारे पास फिर से यही कंपाउंड, हमारे पास कार्बीन जनरेट हो जाएगा। सिंपली अब हमारे पास है फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हमने लिगेंड मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल जिरकोनियम का कॉम्प्लेक्स लिया है, उसे कैसे अटैच करोगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हमने हाइड्रोजन का बॉन्ड देखना हो तो यहाँ पर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन को ऐसे एक्सपेंड करके, तो यहाँ पर इसके पास क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और हमारा मेटल क्या है यहाँ पर, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ से जहाँ से बॉन्ड क्लीव करोगे वहीं से ज्वाइन करोगे, यहाँ पर भी अगेन हम वैसे ही मेंशन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास क्या चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव, और हमारे कार्बन के पास होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैंने वही वैसे ही अटैचमेंट किया है, हमारे पास मेटल के ऊपर जैसे ही यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, हमारे मेटल के पास क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। इसे भी रिएक्शन को रफ फेस पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, लिगेंड मेटल का कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स लिया, तो कार्बोनिल में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो, अभी मैंने जिरकोनियम के कॉम्प्लेक्स के बाकी के लिगेंड्स को एक साइड लिख लेते हैं, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है अटैचमेंट, तो यहाँ पर जिरकोनियम हाइड्रोजन के बॉन्ड के थ्रू ही होने, इस ये डेल्टा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा मेटल क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो उसके कॉरस्पॉन्ड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव का मैंने स्टार सेपरेशन कर लिया, अब इसे कैसे ज्वाइन करोगे, लिगेंड मेटल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच हो जाएगा, जिरकोनियम हाइड्रोजन, जो भी हमारे पास लिगेंड बचे हुए हैं वो सारे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, CP2 हो गया, राइट। अभी यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पर होगा, ये मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा इस बॉन्ड में, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बीन का जनरेशन हो गया और ऑक्सीजन इस सिस्टम से लीव कर जाएगा। तो इसी वे में मैंने इसे कार्बीन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म किया है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रॉम द डाइजोमिथेन। डाइजोमिथेन में भी हमने बात की थी, ऑस्मियम क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है, उसे डाइजोमिथेन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाती है और जो कार्बीन होती है वहाँ पर वो मेटल के साथ अटैच हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस को कार्बन अगर हमारे पास 13 NMR की स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करें तो वो यूज़फुल टूल है करेक्टराइज करने के लिए एल्काइलडीन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो हमने इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं। सबसे पहले हमने कार्बन 13 NMR की स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की है इन ऑर्डर टू करेक्टराइज दी एल्काइलडीन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हम क्या यहाँ पर हमने क्या कॉमन चीज फाइंड आउट की है कि कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा अगर हम कार्बन को किससे सब्सटीट्यूट करके, कार्बन का 12 isotope NMR इनएक्टिव होता है क्योंकि उसका आई वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर हम कार्बन को ही सब्सटीट्यूट कर दें उसके आइसोटोप के साथ, दैट इज़ कार्बन 13, तो वो NMR स्पेक्ट्रा शो करना शुरू कर देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन 13 NMR। तो अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि अगर कार्बन 13 मतलब हमारे पास कार्बीन का बॉन्ड फॉर्म होगा, तो अगर हम कार्बन को सब्सटीट्यूट कर देंगे 13 के साथ तो वो C13 NMR की कैटेगरी में आ जाएगा और उससे हमें आइडिया हो जाएगा उसका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी या उसका जो उसके सराउंडिंग में, उसके इन्वायरमेंट में कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि हमारा कार्बन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करेगा और मेटल से इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट, मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कार्बन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लो फील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं शील्डिंग। तो नेक्स्ट हमने क्या स्टडी किया, CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है। तो अभी यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमने मैक्सिमम रिएक्शंस में देखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो हम स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी स्टडी कर रहे हैं, उसकी कपलिंग कांस्टेंट जिसे हम बोल रहे हैं। तो वो क्या है कि अगर इसमें क्या स्टडी किया गया है कि जो कपलिंग टेंडेंसी है तो वो 75 to 100 Hz होगी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का मतलब हमारी मेटल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन फिल्ड होगी, इलेक्ट्रॉन मतलब रिच होगी, तो उसमें उसका क्या है, एगोस्टिक इंट्रैक्शन फील करेगा मेटल और हाइड्रोजन, जिसकी वजह से उसका जो वैल्यू होगा, जे कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसका वैल्यू फ्रिक्वेंसी का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने क्या स्टडी किया है, प्रोटोन एनएमआर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि हमने बोला था कि शॉक कार्बीन में एक बॉन्ड हमें कार्बन और हाइड्रोजन का एटलीस्ट मिलेगा, तो उस वजह से अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम अटैच होगा एल्काइलडीन कार्बन के साथ, तो उसका वैल्यू -2 डेल्टा वैल्यू की रेंज में फॉल कर जाएगा, जिसका मतलब होता है हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अप फील्ड हो जाएगी। अप फील्ड का मतलब क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शील्डिंग को फील करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है रजे, यहाँ पर हमारे पास मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मेटल, और हमारे पास कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है, अगर इस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो ज़्यादा किसकी तरफ शिफ्ट होगी, कार्बन की तरफ शिफ्ट होगी। अगर कार्बन की तरफ शिफ्ट होगी तो इंटर्न डेंसिटी कौन फील करेगा ज़्यादा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन इंटेंसिटी ज़्यादा फील करेंगे तो उनका PPM वैल्यू किस में शिफ्ट कर जाएगा, नेगेटिव रेंज में फॉल कर जाएगा। तो ये इसी कारण से हमारे पास नॉर्मल जो हाइड्रोजन की वैल्यू होती है वो 1.1 Hz के, मतलब वो डी शील्डिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि जैसे नॉर्मल अगर वो किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वहाँ उनका बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दैट मीन्स उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके पास नहीं होता। अभी यहाँ पर इन केस में क्या होगा कि मेटल हमारी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इस वजह से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कार्बन के पास होगी, तो कार्बन क्या देगी, इंटर्न इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को दे देगी, तो हमारा डेल्टा वैल्यू क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा इन द रेंज ऑफ नेगेटिव PPM वैल्यू। तो हमारे पास एक बात याद रखना कि अगर हमारे पास जितना ज़्यादा नेगेटिव PPM वैल्यू की तरफ हमारा सिस्टम शिफ्ट करता रहता है, उतना ज़्यादा पर्टिकुलर जिस सिस्टम को भी हम स्टडी कर रहे हैं उसका डेल्टा वैल्यू क्या है, उतना ज़्यादा वो सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, शील्डिंग हो रही है उसमें। तो वैसे ही हमने क्या है, अभी एक तरीका और है कि हम इसका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी स्टडी कर लें। अभी यहाँ पर ध्यान से समझना,
अगर आपके पास हमारा एग्जामिनर पूछता है कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑस्मियम और कार्बन के बॉन्ड की क्या होगी, तो ऑब्वियस ही बात है पहले मेटल और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अगर रिएक्शन में कार्बिन की फॉर्मेशन होती है तो मेटल कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। तो हमें पता है डबल बॉन्ड छोटा होता है, अगर डबल बॉन्ड छोटा है तो उसे तोड़ने के लिए, उसे ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज करेगी। लेकिन अभी यहाँ पर आपसे क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हम किसकी बात कर रहे हैं, सी एच की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, सी एच में क्या होगा, जैसे ही जितना हमारा मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता रहेगा, उतना हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वो किस रेंज में आ जाएगी, 2400 टू 2600 की रेंज में। अभी हमारे पास नेक्स्ट हम इसकी क्या स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में मैंने पिछली बार भी जब हमने फिशर कार्बिन की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की थी तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमें सबसे पहले कार्बिन का रोल पता होना चाहिए कि हमारी कार्बिन सिंगलेट है या ट्रिपलेट। सिंगलेट हुई दैट मीन्स हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल से डोनेट होंगे, तो पहले हमारा सिग्मा बॉन्ड दैट इज़ डिटी बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग डिफरेंट क्यों होगी, अभी ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी कार्बिन क्या है, ट्रिपलेट कार्बिन है। ट्रिपलेट कार्बिन का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमें एटलीस्ट टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसका मतलब अब हमारी मेटल को क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करनी पड़ेगी। मतलब आगे हम क्या स्टडी करते थे, जब हमारे पास सिंगलेट कार्बिन थी तब हम पहले स्टेप में जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते थे तब मेटल को क्या करते थे, वेकेंट शो करते थे। लेकिन अब की बार चेंजेस क्या है, सबसे पहले जब आप सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करोगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एट अ टाइम पे, तो कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमें बॉन्ड फॉर्म करना है तो मेटल को क्या डोनेशन करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हमारे पास क्या फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ये पहला फ़र्क है दोनों में, श्रॉक और फिशर में, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डिटी बॉन्ड बनता था, क्योंकि डोनेशन कौन सी, प्योर डोनेशन किसके थ्रू हो रही थी, कार्बन टू मेटल। तो इसे रिकॉल कर सकते हैं साथ साथ में। अभी सेकंड स्टेप क्या है, क्योंकि पता है कार्बिन कॉम्प्लेक्स है, मेटल का मल्टीपल बॉन्ड तो फॉर्म हो गई, और वैसे भी हमारे पास क्या है, कार्बन के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब हमारे पास साइडवाइज ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अभी ध्यान से समझो, हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास अभी हमारे पास देखो ध्यान से, मैंने जब भी मेटल का फर्स्ट स्टेप में हमने मेटल का जो ऑर्बिटल शो किया है वो मैंने डी ऑर्बिटल शो नहीं किया, क्योंकि डी में अगर हम यहाँ पर मेटल का ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड वाला शो भी करना चाहते हैं तो हम किस ऑर्बिटल को शो कर सकते हैं, डी जेड स्क्वायर को, क्योंकि डी जेड स्क्वायर ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। बाकी सारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फोर लोब्स होने की वजह से ये साइडवाइज ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब भी सिंगली ऑर्बिटल शो करना है तो आप कभी भी डी ऑर्बिटल शो नहीं करोगे अगर आपने सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, पाई बॉन्ड के लिए हमें साइडवाइज ओवरलैपिंग चाहिए थी। तो हमें पता है हमारे ट्रांजिशन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होते हैं, तो हमने फिर डी ऑर्बिटल शो किया। मतलब आप पी ऑर्बिटल या पी एक्स वाई पी जेड इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास मेटल में ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, कार्बन के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। अभी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमने अपना लास्ट ऑर्बिटल शो कर दिया और यहाँ पर डी ऑर्बिटल ले लिया, और डी ऑर्बिटल ज़्यादा इफेक्टिव साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं क्योंकि लोब्स ज़्यादा झुकी हुई हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल होता तो साइडवाइज ओवरलैपिंग होती, लेकिन जो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती वो समवट कम होती। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल शो किया है, साइडवाइज ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अभी यहाँ पर देखो ध्यान से रजे, श्रॉक कार्बिन में क्या होता है, हमारी पहली ही कंडीशन थी जब हमने इसकी प्रैक्टिस्टिक स्टडी की थी, जब हमने तो हमने मेंशन किया था कि उसमें कार्बिन में एटलीस्ट एक बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन का होगा, तो इसलिए ये फिशर कार्बिन से इसीलिए डिफर करती है क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व होना ही है कार्बन का। तो यहाँ पर क्या इंट्रैक्शन कौन सी डिवेलप होती हैं, एगोस्टिक
एगोस्टिक इंट्रैक्शन की वजह से ही मैंने आपको बताया अभी कि इसका जब हम प्रोटोन एनएमआर स्टडी करते हैं तो इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव पीपीएम की रेंज में आ जाता है। दैट मींस हमारा हाइड्रोजन क्या है, जब हमारे पास रॉक कार्बन होती है तो हमारा हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज़्यादा शील्डेड फील करता है। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे पास कार्बीन एक्चुअल से कौन सी प्रिपेयर हुई है, श्रॉक या फिशर। तो मैंने वही सब कुछ मेंशन किया है, क्या क्या हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे जब हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। तो हमारे पास क्या होगा, एक तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा मेटल और कार्बन में डबल बॉन्ड की इंट्रोडक्शन से, और हमारे पास जो लेंथनिंग हो जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की। क्यों, क्योंकि हमने अभी स्टडी किया एगोस्टिक इंट्रैक्शन की वजह से मेटल और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा। वीक का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथन, मतलब वह लंबा हो जाएगा। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अफिल शिफ्ट होगा प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रा में। वही मैंने बोला कि नेगेटिव पीपीएम रेंज में फॉल कर जाएगा हमारा हाइड्रोजन का वैल्यू, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। लोअरिंग ऑफ सीएच कपलिंग कांस्टेंट, लोअरिंग सीएच कपलिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कपलिंग टेंडेंसी होती है, जैसे मेटल और हाइड्रोजन की कपलिंग इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और कार्बन और हाइड्रोजन की कपलिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो डिक्रीज इन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, और नेक्स्ट स्टेप क्या लास्ट होगा, अगर हम आईआर स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। अगर वीक बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी भी कम देनी पड़ती है, इसका मतलब क्या होगा, हमारी एनर्जी कम, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी मैंने फिर से रिकॉल करने के लिए कंपैरिजन में बताया है कि हमारे श्रॉक कार्बीन में क्या होगा और फिशर में क्या होगा। श्रॉक में पहले यहाँ पर हमेशा मेंशन कर लिया करो कि सिस्टम क्या है, ट्रिपलेट का है, और यहाँ पर सिस्टम क्या है, सिंगलेट का, फिर ईजी हो जाता है रिकॉल करना। और यहाँ पर सिंगलेट कार्बीन में जब हमने स्टडी किया था तो हमने स्टडी किया था कि कार्बन के बॉन्ड किसके साथ होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ होंगे। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इसीलिए कार्बन क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब अगर वहाँ पर प्रोटॉन हुआ तो उसकी डेल्टा वैल्यू तो क्या होगी, डी शील्ड होगी, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ले जाएंगे। तो अगर वहाँ पर हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस होगी तो वहाँ पर हमारे पास डेल्टा वैल्यू क्या होगी, प्लस पीपीएम की रेंज में, मतलब डी शील्डिंग ज़्यादा होगी। और इन टर्न यहाँ पर तो अभी हमने लेटेस्ट अभी रिकॉल किया है कि हमारे पास नेगेटिव पीपीएम की रेंज में होगी। नेक्स्ट हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को हमने अभी स्टडी किया है कि लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मेटल और हाइड्रोजन के बीच क्या हो जाएगी, एगोस्टिक हो जाएगी। एगोस्टिक इंट्रैक्शन की वजह से उसका कपलिंग कांस्टेंट रिड्यूस हो गया, लेकिन फिशर में ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका कपलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, तो 2500 की रेंज में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है एगोस्टिक इंट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अब हमारे पास क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शन, जो इसकी लास्ट टॉपिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे। ये वाली समवट मैंने सिर्फ नोट्स में मेंशन की है, टेंटेलम सीपी ट्वाइस, इसमें CH2 हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्बीन को यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम का डाइमर हमने लिया है, एल्युमिनियम का डाइमर लेने के ये क्या है, एक डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि मैंने बोला मेटल क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये हमारे कार्बीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो डेफिशिएंसी फील करेगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बीन के पास। तो यही किया मैंने इस रिएक्शन में, सिर्फ इसके साथ इसका बॉन्ड फॉर्म किया है। तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद द ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड में देखो, मैंने टेंटेलम, आप कोई सा भी कार्बीन का कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, मैंने हर रिएक्शन में ऑलमोस्ट सेम सा लिया है ताकि हमें रिएक्शन को जस्टिफाई करना इजी रहे। तो ऑर्गेनिक हैलाइड लिया है, सिलिकॉन ट्राइमिथाइल ब्रोमाइड लिया है। तो हमें पता है ब्रोमाइड क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन हमें अटैक करने के लिए यहाँ पर दिए क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं डेल्टा पॉजिटिव सेंटर पे, तो हमारे पास इसके साथ हमारा बॉन्ड अटैच हो गया। जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुए, ये बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल हो गया, तो यहाँ पर ट्राइमिथाइल सिलिकॉन अटैच हो गया। नेक्स्ट क्या है फर्स्ट स्टेप में, हमारे पास ये स्टेप में क्या है कि हमारे पास ये कार्बीन, और अभी मेटल की डेफिशिएंसी क्या पूरी करने के लिए डेल्टा पॉजिटिव है, तो इन टर्न में ब्रोमाइड हम
ऐसे भी अटैच कर सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आयनिक फॉर्म है टेंटेलम सी पी ट्वाइस सी एच थ्री और सी एच टू सी एम सिलिकन एम ई थ्री, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आयनिक की तरह भी शो कर सकते हैं, दैट इज़ ब्रोमाइड। तो दोनों मेथड सही हैं, क्योंकि इंटर्न हमारा बॉन्ड क्या है, ये क्या है, ब्रोमाइड हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, तो प्राइमरी वैलेंसी तो मेटल के साथ ही अटैच होती है, तो चाहे आप उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ही लिखो, लेकिन इंटर्न उसका बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मेटल के साथ, इसलिए दोनों मेथड सही हैं। कई बार बुक्स में ऐसे मेंशन किया होता है तो भी इसका मतलब यही है। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद पी आर थ्री। पी आर थ्री में यहाँ पर एल्कीन रिएक्ट कर रही है स्ट्रॉक कार्बिन कॉम्प्लेक्स। हमने दोनों एल्कीन ली हुई हैं, एक का बॉन्ड कार्बीन लेनी थी, क्योंकि कार्बीन को यूज़ करके हमने डिफरेंट एल्कीन का प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने दो एल्कीन्स लिए हैं, उस पर आर डैश डाल दिया इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि हमने बॉन्ड फॉर्म कैसे किया है। तो अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले स्टेप में क्या फॉर्म हो गया, मेटेला साइकिल। तो मेटल क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पर कार्बन शो कर लेते हैं, इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर देखो वन और टू, यहाँ पर इस बॉन्ड में एक के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे मेटल के पास और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और हमारा मेटेला साइकिल क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अभी यहाँ पर क्या है, अगर आप अब आप इस मेटेला साइकिल को वैसे ही ब्रेक कर दोगे जैसे इसका आर का बॉन्ड है, अगर आप मेटेला साइकिल को ऐसे ब्रेक करते हो, क्योंकि दो बॉन्ड टूटने होते हैं, मैंने पिछली बार भी मेटेला साइकिल की रिएक्शन डिस्कस की थी, तो दो बॉन्ड ब्रेक होने होते हैं, तो अगर हम यही बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो फिर से यही प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे, लेकिन हमने डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो मेटेला साइकिल इस बार कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, यहाँ से ब्रेक होने के बाद इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, तो दोनों ही हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की। अभी मेटेला साइकिल अगर बीटा एलिमिनेशन कर देता है, यानी कि बीटा कार्बन कार्बन में से हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगी, एलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एलाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट है अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, हमारे पास मेटेला साइकिल में से मेटल निकल जाएगी और हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HCl। तो HCl में क्या है, हमारे पास नियोपेंटाइल की फॉर्म है, उसमें मैंने तीन नियोपेंटाइल एसिड लिख लिए और एक का हमने कार्बीन फॉर्म कर लिया, तो अगर उसे हाइड्रोजन मिल जाएगा तो हमने HCl को एडिशन कर दिया, तो ये क्या होगा, ये भी नियोपेंटाइल में ही चेंज हो जाएगा, तो मैंने वही लिखा है नियोपेंटाइल 4 टेंटेलम Cl। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ टेबिज रिएजेंट। टेबिज रिएजेंट बच्चे क्या करता है, हमारे कार्बोनिल ग्रुप को एल्कीन में चेंज कर देता है, तो उसके लिए हमें पहले टेबिज रिएजेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमारे पास ये है टेबिज रिएजेंट, इसे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, टाइटेनियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल ट्वाइस क्लोराइड ट्वाइस, इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप के साथ अटैक करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप के साथ अटैक करवाने से यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और एक Cl क्या है सिस्टम को लीव कर गया, तो फिर से हमने वही अटैक सिमिलर दोबारा से करवा कर इसे क्या फॉर्म कर दिया, डाइमर को फॉर्म कर दिया और इस डाइमर की क्या कर दी, क्लीवेज कर दी, तो हमारे पास टेबेज रिएजेंट प्रिपेयर हो गया। आप डायरेक्टली भी इसे यूज़ करके लिख सकते हो, मैंने सिर्फ प्रिपरेशन मेंशन किया। अभी यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम इस रिएक्शन को ऐसे देखते हैं, यहाँ पर हमने अपना, मैंने बोला था कि हम टेबेज रिएजेंट को कार्बोनिल, क्योंकि टेबेज रिएजेंट क्या है इन ऑर्डर, हमने ये भी टेबेज रिएजेंट क्या है, कार्बीन कॉम्प्लेक्स ही है, इसलिए यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है टेबेज रिएजेंट मेंशन कर दिया। और अब अभी यहाँ पर देखो हमने कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया है और यहाँ पर हमने अपना टेबेज रिएजेंट क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि हमने मेटेला साइकिल फॉर्म करना है तो उसके अरेंजमेंट भी हम वैसे ही करेंगे। दो एल्कीन ग्रुप को अरेंज कर दिया कार्बोनिल को इस तरह से और CH2 डबल बॉन्ड टाइटेनियम CP, इसे हमने ऐसे लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन क्या है डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या है डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, हमारे पास इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डिवेल्प हो गया नेगेटिव चार्ज और CH2 का ग्रुप कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल हो गया, और टाइटेनियम के ऊपर चार्ज क्या डिवेल्प हो गया, पॉजिटिव, तो
तो यहाँ पर इन टर्न अगर हमने डोनेशन की तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, मटेला साइकिल। तो अभी अब क्या होगा कि अगर हमने क्लीवेज फिर से यहीं से कर दी तो हमारे पास सेम यही प्रोडक्ट आ गए, लेकिन मटेला साइकिल को हमें डिफरेंट तरीके से ब्रेक। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास मटेला साइकिल फॉर्म हो गया। अब हमें मटेला साइकिल को क्या करना है, क्लीव करना है। अगर हम मटेला साइकिल को सेम वही तरीके से क्लीव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर अगर हमने मटेला साइकिल को फिर से यहीं से क्लीव कर दिया, यहाँ से जैसे हमने न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो हमारे पास फिर से वही कार्बोनिल और टेबेस रिएजेंट एज सच आ जाएगा। लेकिन अगर हमने डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमने मटेला साइकिल को डिफरेंट तरीके से ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर हमने बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पर हमारे पास टाइटेनियम का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और कार्बन का बॉन्ड हमारे पास एल्कीन के साथ बन गया। जैसे हमने यहाँ पर दोनों रिएजेंट के साथ कार्बोनिल का ग्रुप लिया था, अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में क्या आ गया, एल्कीन। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।